नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अग्रावत पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप जो वीडियो में देख रहे हैं, एक टीवी है जिसमें बीच में एक लाइन या पट्टी की तरह दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये आप जानते होंगे किस सेक्शन का फॉल्ट होता है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस फॉल्ट के बारे में। और इसमें बोर्ड कौन सा लगा ये भी देख सकते हैं आप। ये चाइनीज़ बोर्ड इसमें लगा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये फॉल्ट वर्टिकल सेक्शन का होता है। इसमें वर्टिकल सेक्शन में ये वाला आईसी लगा है। तो इस सेक्शन को कैसे रिपेयर किया जाता है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें देखिए, पीछे कुछ वायर भी जोड़े गए हैं, और अभी भी कुछ ही दिन पहले इसमें शायद आईसी नया लगाया हुआ है। देख सकते हैं इसकी प्रिंट वगैरह उखड़ चुकी है। तो इस फॉल्ट को हम रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले इसके वोल्टेज हमें देखने होते हैं आईसी पर। तो यहाँ पर वोल्टेज देख सकते हैं आप, 26 वोल्ट के करीब मिल रहा है। वर्टिकल सेक्शन में जो आईसी लगा है उस पर देखना होता है। और यहाँ पर SMPS के सेकेंडरी में देखिए, 26 वोल्ट के करीब वोल्टेज तो सही आ रहा है, लेकिन इसमें लाइन आ रही है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताने वाला हूँ इस फॉल्ट से रिलेटेड, कि इसमें जो आईसी लगा है वो सही है या ख़राब है, तो ये कैसे देखना होता है। तो वीडियो का आप ज़रा सा भी स्किप मत करना। वर्टिकल आउटपुट जो होता है, जहाँ पर योक के वायर लगाते हैं, वहाँ पर 26 वोल्ट के हाफ वोल्ट मिलने चाहिए, ठीक है। देखिए आईसी पे 26 वोल्ट के करीब मिल रहा है, और इसके आउटपुट पर इसका हाफ वोल्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हाफ वोल्ट योक के वायर पे मिल रहे हैं तो आईसी ओके है। तो यहाँ पर इस बोर्ड में ये आईसी ओके है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, और ये कैपेसिटर से एक लाइन जा रही है, ठीक है। तो देखने वाली ये बात यही है, अगर वर्टिकल आउटपुट पर हाफ वोल्ट मिल रहे हैं, जितनी वोल्टेज सप्लाई हमने दी है उसका हाफ वोल्ट वर्टिकल आउटपुट पर मिल रहा है, तो आईसी ओके है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर जो ये कैपेसिटर लगा है इसको आपको देखना है। सबसे पहले इस कैपेसिटर को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हम ये वाला कैपेसिटर इसमें लगाने वाले हैं, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 1000 माइक्रोफेराड, 35 वोल्ट, ठीक है। तो इस वाले कैपेसिटर को हम निकाल लेंगे। तो इसमें लगा हुआ कैपेसिटर की वैल्यू आप देख सकते हैं, 1000 माइक्रोफेराड, 25 वोल्ट, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को हमें सबसे पहले इस फॉल्ट में चेंज करना है, क्योंकि फॉल्ट इसमें आपने देखा होगा कुछ अलग है। वर्टिकल आईसी अगर ख़राब होती है तो इसमें एक बहुत पतली लाइन दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर कुछ चौड़ी लाइन दिखाई दे रही है। तो इस कंडीशन में इस कैपेसिटर को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हम दूसरा एक कैपेसिटर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अगर इसके बाद भी ये फॉल्ट क्लियर नहीं हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कैपेसिटर और लगा है 100 माइक्रोफेराड, 50 वोल्ट का, वो भी आपको चेंज कर देना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इस वाले कैपेसिटर को ही चेंज करना है, और इससे नहीं हो उसके बाद आपको 100 माइक्रोफेराड, 50 वोल्ट का एक ही कैपेसिटर इसमें लगा है, वो कैपेसिटर चेंज कर देना है। क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्म हो चुका है कि आईसी तो हमारा सही है, तो आईसी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी मैकेनिक ने कुछ ही दिन पहले ये आईसी चेंज किया था, तो अब देखते हैं हम राष्ट्र की तरफ लाइन आती है या। तो देखिए राष्ट्र आ चुका है, और ये हमारा टीवी सही हो चुका है। क्योंकि अगर आईसी ख़राब होती है तब एक बहुत ही पतली लाइन दिखाई देती है, और इसमें क्या है, चौड़ी लाइन दिखाई दे रही है। तो आईसी हमारा सही है, और वोल्टेज के द्वारा भी हमने देखा आईसी ओके है, क्योंकि आउटपुट पर हाफ वोल्ट मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हमें देख लेना चाहिए कि आईसी ख़राब है या फिर और कोई कंपोनेंट, ठीक है।
तो देखिए ऑडियो वीडियो लगा के देखते हैं। ऑडियो वीडियो में सही आ रहा है आवाज़ और वीडियो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना।